बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर तिब्बती समुदाय ने माल रोड रोटरी क्लब में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में 11वें पंचेन लामा की रिहाई व दलाई लामा से जुड़ी यादों को दर्शाया गया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध को याद करना और उनके बताए रास्ते पर चलना था। वहीं 11वें पंचेन लामा को चीन की कैद से रिहा कराना है। तिब्बती यूनियन के अध्यक्ष ताशी लामा ने बताया कि आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर तिब्बती कल्चर को बचाने के लिए ये अहम प्रदर्शनी है। उन्होंने कहा कि तिब्बती सभ्यता की अपनी अलग पहचान है और लामा का अपना महत्व है। बिना कारण चीन ने उनके 11वें पंचेन लामा को अपनी कैद में रखा है, जो गलत है। उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। मेरा नाम तेंजिन है और जो एग्जीबिशन लगाया था वो हमने पंचेन लामा के संदर्भ में लगाया है। और वैसे पंचेन लामा जी को कैद किए हुए चीन ने आज 33 साल हो रहे हैं। जब वो 6 साल की उम्र थे उनको चीन ने कैद किया था। जैसे ही पंचेन लामा डिक्लेयर हुए थे तब से कैद करके आज 27 साल चीन की कैद में है और वो टोटल 33 साल के हो रहे हैं। 17 तारीख को उनको कैद किया तो हम 17 तारीख के संदर्भ में करना चाहिए, पर हमें हॉल नहीं मिला था। एग्जीबिशन हमने आज डाला और कल थ्रू आउट द इंडिया हम लोग 24 घंटे के हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, पर हमें यहाँ ऑर्डर नहीं मिला। इसलिए हम सिर्फ 2 घंटे के लिए डीसी ऑफिस के बाहर 4 से 6 बजे वहाँ पूजा करेंगे उनके नाम पर, उनके सेहत के लिए, उनके जल्दी रिलीज होने के लिए।